हेलो फ्रेंड्स, लॉ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं CCS LLM एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सेकंड नंबर पे क्राइटेरिया क्या रहेगा इस एग्ज़ाम का, एंड थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस क्या है। देखो, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। एंड फोर्थ वन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रखनी है हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये लास्ट में स्ट्रेटजी वाले पॉइंट आपके बहुत काम आने वाले हैं। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी कि MCQ के फॉर्म में आपके क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स आपका रहेगा 100, और जो टाइम रहेगा एग्ज़ाम का टाइम वो 2 आवर्स का रहेगा। और उसके बाद हम बात करें, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे। और जो हर क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, यानी कि इस हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो देखो, अगर आपने किसी भी मतलब LLB, चाहे तो आपने थर्ड ईयर वाली करी हो, BA LLB करी हो, या 5 ईयर वाली इस तरीके से LLB करी हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% कम से कम LLB में आपके होने चाहिए। और अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 48% आपका LLB में स्कोर आपने किया होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, 10 क्वेश्चन जो हैं वो हर सब्जेक्ट में से आएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा वो है ज्यूरिसप्रूडेंस। ज्यूरिसप्रूडेंस के बाद सेकेंड नंबर पर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। एंड थर्ड नंबर पर है लॉ ऑफ क्राइम, जिसमें कि आपका IPC आएगा। उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट, एंड देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा। उसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, देन फैमिली लॉ, उसमें हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों हो सकते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल लॉ, देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और लास्ट वन में कंपनी लॉ। तो ये टोटल 10 सब्जेक्ट रहेंगे आपके सिलेबस में। और उसके बाद आपको इन 10 में से क्या करना है, आगे आप स्ट्रेटजी समझिए। देखो, इसकी कोई पर्टिकुलर बुक तो आती है नहीं, बुक आपको मिल जाए वेल एंड गुड है, वैसे नहीं आती है। बट आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो लॉ की बुक्स हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, या अपने जो बेयर एक्ट हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, खुद के सेल्फ स्टडी करके आप नोट्स बना सकते हैं, उससे हेल्प आपको मिल सकती है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो प्लीज़ आप एक बार ये देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट में अगर आपको आना है तो 40%, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको कम से कम इस एग्ज़ाम में 60% स्कोर करना होगा, यानी कि 60 क्वेश्चन के आंसर आपको राइट देने होंगे। उसके बाद करें कि अगर आपने ये एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद क्या, तो जो एडमिशन होगा वो बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट होगा, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए 40% कम से कम हमें लाने होंगे। अब इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जिसके लिए आपको 60% चाहिए, हमने डिसाइड किया। उसके बाद दूसरा होता है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होते बट एडेड कॉलेज होते हैं। और थर्ड वन पे होते हैं सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज। सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज वो होते हैं जो खुद ही फाइनेंस करते हैं अपने कॉलेजेस को। सो ये आप इन्हें प्राइवेट कॉलेज के तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक नोटिफिकेशन आया, जिस नोटिफिकेशन में अभी नोटिफिकेशन आया, और उस नोटिफिकेशन में आपको 12 सितंबर का आपका पेपर है। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब